हेलो प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र कुमार गुप्ता सुभागी देवी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हमने इसके पहले जो वीडियो आपको हमने प्रोवाइड किया था उसमें एक्सरसाइज 6.1 का 3 क्वेश्चन हल किया गया था। अब यहाँ से चौथा क्वेश्चन आपका हल होगा, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रतिरूपों का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। बच्चों आप देख रहे हो कि 11 का वर्ग दिया है 121, फिर 101 का वर्ग दिया 10201, फिर 1001 का वर्ग दिया है। अब इसी रूप से आपको भरना है, जैसे यहाँ दिया है 11 का 121, 101 का वर्ग दिया है 1, फिर 0, फिर 2, 0, फिर 1, 1001 का वर्ग दिया है 1 लिखकर 00, फिर 2, फिर 00, फिर 1। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ कितने जीरो है, 4 जीरो है, तो 1 लिखा गया है तो यहाँ कितने जीरो लिख देंगे, 4 जीरो लिख देंगे। यही आपको क्या करना है, भरना है। फिर यहाँ आपका 2 है इस कंडीशन के आधार, तो फिर कितना जीरो लिखेंगे, 4 जीरो, ये आपका भरना है। अब देख रहे हैं यहाँ दिया है 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6 0, तो इसका मतलब हम 1 2 3 4 5 6 0 यहाँ भर देंगे। फिर आपका क्या आएगा, 2 आएगा, फिर लिखेंगे 6 0 3 4 5 6 0, यानी यहाँ हम 6 0 इसको भर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 1, यह आपको भरना है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा है कि निम्न प्रतिरूपों को अवलोकन करें और रिक्त स्थान को भरें। तो इसमें भी दिया है 11 का स्क्वायर बराबर 121 दिया है, फिर आपका 101 का स्क्वायर दिया है 10201, फिर आपका दिया हुआ है 10101 का स्क्वायर, 10203 0, फिर 201। अब देखिए इतने का हमें मान निकालना है, 10101 इसका स्क्वायर। अब देखें बच्चों हम कैसे इसको हल करेंगे, 11 का वर्ग 121 है, 101 का वर्ग दिया है 10201, जैसे ही क्रम बढ़ रहा है तो देखें यहाँ 10101 तो 10203 0201 क्रम वाइज घट रहा है, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 10। अब देखें इसमें कहाँ तक गया है, बीच वाला पद 3 अंक है तो 3 तक गया है, इसमें बीच वाला अंक 1 2 3 4 5 अंक है तो कहाँ तक जाएगा, आपका 4 या 5 अंक तक जाएगा। तो आप लिखेंगे 10, फिर क्या लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 30, फिर 40, फिर क्या लिखेंगे, क्रमवाइज घटते चले आएंगे 30 20, ये आपका 10 20 30 40 30 20 1, ये आपका हो जाएगा। अब इसका अगला भरने वाला है, आपको क्या भरना है, इधर वाला पद दिया है 10 20 30 40 50 फिर 40 फिर 30 फिर 201। अब बच्चों आप देख रहे हैं इसमें 1 2 3 4 अंक था तो 4 एक था तो 4 तक हम गए हैं, इसमें कितने हैं, देखिए सबसे बड़ा पद 5 है तो हम 1 लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, 1 2 3 4 और 1 इसका, यानी हम देख रहे हैं कि इसमें 2 एक है तो सबसे बड़ा अंक 2 है इसलिए 2 एक है, इसमें 2 एक है तो इसमें आप 2 एक लिखेंगे 1 0 लिख देंगे, इसमें 3 सबसे बड़ा अंक है तो 3 तो 1 है इसके बीच में 0 लिख देंगे, इसमें 4 है तो इसमें क्या लिखेंगे 1 2 3 4 इसके बीच में 0 भर देंगे, इसमें 5 है तो इसमें हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और इसके बीच में 0 भर देंगे, तो यह हमें
क्या करना है, भरना है, और इसमें यह भरना था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि दिए गए प्रतिरूपों का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को प्राप्त कीजिए। अब बच्चों देख रहे हो कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। अब यह देखेंगे कि 2 में 1 का हम गुणा करेंगे, 2 एक करने 2 हुआ तो 2 का वर्ग हुआ, तो 2 का वर्ग में से एक संख्या अधिक यानी 3 का वर्ग हुआ। उसी तरह से 3 दूना 6, तो यहाँ 6 का वर्ग हुआ तो 6 से एक अधिक संख्या कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग। 4 तिहाई 12 हुआ तो 12 का वर्ग, 12 में एक जोड़ देंगे तो 13 का वर्ग हो गया। अब देखो 5 चौके 20 यहाँ भरना है, तो 5 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 का वर्ग हो गया, तो 20 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 31 का वर्ग हो गया। यानी आपको यह संख्या भरना था। 5 का वर्ग है, यहाँ कितने का वर्ग हम करें ताकि जोड़कर 30 आ, जैसे 5 चौके 20 यहाँ होगा, वैसे हम क्या यहाँ भर दें कि 30 हो जाएगा, 5 छके 30 यानी 6 का वर्ग हमें भरना है। तो 5 का वर्ग फिर 6 का वर्ग, तो 5 छके 30, 30 का वर्ग हो या 31 का वर्ग। अब देखें यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो 7 छके यहाँ लिख देंगे हम 42, 42 का वर्ग भरेंगे। अब 42 से एक अधिक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 43 का वर्ग हो जाएगा, यह भर देंगे। बच्चों देखें भरने का तरीका, हमको क्या भरना है, पहला तो दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथे पांचवें छठवें में भरना है, तो हम इसी के क्रम से, जैसे यहाँ 2 एक कम 2 हुआ तो 2 का वर्ग हुआ, 3 दूना 6 हुआ तो 6 का वर्ग हो गया, उसमें एक एक अंक अधिक 6 में एक जोड़ दोगे तो 7 का वर्ग हो जाएगा, 4 तिहाई 12 का वर्ग हो गया, इसके एक अधिक जोड़ दोगे तो 13 का वर्ग हो जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ 20 का वर्ग, 20 में एक अधिक जोड़ देंगे तो 21 का वर्ग। यहाँ कितना भर दें तो 6 5 30 हो जाएगा, तो 30 का वर्ग दिया हुआ है, 33 में एक अधिक जोड़ा गया 31 हुआ है, 7 छके 42, यहाँ 42 हो जाएगा, एक अधिक जोड़ेंगे 43 का वर्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है योग संक्रिया। दिया योग संक्रिया किए बिना, योग संक्रिया किए बिना योग फल ज्ञात करो। यानी योग संक्रिया नहीं करना है आपको, योग फल ज्ञात करना है। तो पहला दिया है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, इसको योग की संक्रिया नहीं करना है। कैसे करना है, पहले यह देख रहा है 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं और पांचों क्रमागत विषम संख्याएं लिखेंगे, चूंकि यह 5 क्रमागत क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या। अब देखें कि 5 क्रमागत विषम संख्या है तो हम क्या कर देंगे, 5 का वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग कर देंगे तो 5 में कितना हो जाएगा, 25, यानी हम अगर योग करें तब भी 25 आएगा, 9 और 7 16 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25। तो अगर योग कर रहा है कि बिना योग संक्रिया किए बिना आपको करना है, तो हम गणना करेंगे कि 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है, तो यह क्रम वाइज 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो हम 5 संख्या निकाल लेंगे और 5 का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसका दूसरा कह रहा है 1 धन 3
धन पांच, धन सात, धन नौ, धन ग्यारह, धन तेरह, धन पंद्रह, धन सत्रह और धन उन्नीस। अब बच्चों आप इसमें डिसाइड करेंगे कितनी संख्या है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, दस संख्याएं हैं। और यह देखिए एक है, एक के बाद दो जोड़ने पर तीन, तीन में दो जोड़ने पर पांच, पांच में दो जोड़ने पर सात, सात में दो जोड़ने पर नौ, नौ में दो जोड़ने पर ग्यारह, ग्यारह में दो जोड़ने पर तेरह, तेरह में दो जोड़ने पर पंद्रह, पंद्रह में दो जोड़ने पर सत्रह, सत्रह में दो जोड़ने पर उन्नीस। यानी टोटल जो संख्या आपको दिख रही है वह क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो कितने क्रमागत हैं, यानी पांच क्रमागत विषम संख्याएं यहां दिख रहा है, तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस। चूंकि दस क्रमागत क्रमागत विषम संख्या है, कौन सी संख्या है, दस क्रमागत विषम संख्या है, तो इनका योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा दस का वर्ग कर देंगे, दस का वर्ग कितना होता है सौ, अगर इन सभी को जोड़े हम तो सौ आएगा। तीसरा तीसरा आपसे कह रहा है एक धन तीन धन पांच धन सात धन नौ धन ग्यारह धन तेरह धन पंद्रह धन सत्रह धन उन्नीस धन इक्कीस और धन तेईस। अब बच्चों इसमें काउंट करेंगे कि अभी क्रमागत आपकी कौन सी संख्या बन रही है, विषम संख्या, कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो टोटल ये क्या है, बारह क्रमागत विषम संख्या, क्या है, बारह क्रमागत विषम संख्या है। जब बारह क्रमागत विषम संख्या है तो आप क्या करोगे, योग निकालोगे, तो योग निकालोगे तो क्या करोगे, बारह का वर्ग कर दोगे, बारह का वर्ग 144, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको योग नहीं करना है, काउंट कर लेना है कितनी संख्याएं हो रही हैं। और ये देख रहे हैं क्रम वाइज विषम संख्या है, ये भी क्रम वाइज विषम संख्या, ये भी क्रम वाइज विषम संख्या है। तो पहले में आपके पांच क्रमागत विषम संख्या है, दूसरे में दस क्रमागत विषम संख्या है, तीसरे में कितने हैं, बारह क्रमागत विषम संख्या है। तो जितने क्रमागत विषम संख्या होता है उसका हम वर्ग कर देंगे, और जब वर्ग कर देंगे जो प्राप्त होगा वही योग फल आपका प्राप्त हो जाएगा। आठवां प्रश्न, आठवां प्रश्न कह रहा है आपसे 49 को सात विषम संख्याओं का योग रूप में लिखिए। दिया है 49 को सात विषम संख्याओं का योग रूप में, अब देखिए 49 को सात विषम संख्याओं का योग रूप लिखना है। अब देखें 49 को सात, अब देखें विषम संख्या लिखना है, तो सात का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 होगा, लिखेंगे चूंकि कितना विषम संख्या है, क्योंकि सात विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो सात विषम संख्या है और क्रम वाइज होंगी, तो सात का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इसको योग के रूप में लिखना है, तो पहले वन प्लस थ्री प्लस कितना फाइव प्लस कितना सेवन, कितने लिखना है, सात को निकालना आपको, एक दो तीन चार, सात में दो जोड़ेंगे कितना हो गया नौ, पांच हो गया, नौ में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ग्यारह हो गया, फिर दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा तेरह। अब कर लीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब इतना लिखने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये 49 हो रहा है कि नहीं,
तीन एक चार, नौ चार तेरह, तेरह और सात बीस, बीस पाँच पच्चीस, पच्चीस और तीन और पच्चीस तीन अट्ठाईस, अट्ठाईस एक उनतीस, उनतीस को नौ हासिल दो, दो एक तीन और एक चार, उनचास हो गया। अब दूसरा इसमें से पूछ रहा है एक सौ इक्कीस को ग्यारह, यह पहला सवाल था, इसका दूसरा कह रहा है एक सौ इक्कीस को ग्यारह विषम संख्या, ग्यारह विषम संख्याओं का योग रूप लिखना है। अब योग रूप लिखेंगे यानी ग्यारह का वर्ग आपका होता है कितना, एक सौ इक्कीस, इसका योग रूप आप लिखेंगे पहले वन लिखेंगे प्लस, यानी ग्यारह संख्या लिखना है तीन, आधन कितना पांच, आधन सात, धन नौ, धन ग्यारह, आधन तेरह, आधन पंद्रह, आधन सत्रह, आधन उन्नीस, आधन इक्कीस, कितनी संख्या हो गई, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अब देखें ग्यारह हो गया, ग्यारह का वर्ग करेंगे एक सौ इक्कीस हो गया, इसको योग करेंगे तब भी यह एक सौ इक्कीस आएगा, ग्यारह का वर्ग करेंगे तब भी एक सौ इक्कीस आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ आपसे कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, क्वेश्चन नंबर नौ निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। पहला इसमें सवाल दिया है बारह और तेरह के बीच, कितने के बीच, बारह और तेरह के बीच। अब बच्चों यहां हम एक रूल लगाएंगे, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि n स्क्वायर तथा n प्लस वन स्क्वायर के बीच 2n संख्या होती है, कितनी संख्या होती है 2n संख्या होती है। तो कह रहा है कितनी संख्याएं होंगी, तो संख्याओं की संख्या, संख्याएं कितना हो जाएगा। अब देखें दो यन है, अब यहाँ बारह और तेरह तो शुरुआत कहां से हो रहा है, बारह से हो रहा है, तो बारह का गुणा कर देंगे, बारह दूना चौबीस हो जाएगा, यानी कितनी संख्या होंगी बारह और तेरह के बीच में वर्ग करेंगे तो कितनी संख्या होंगी चौबीस संख्याएं होंगी। अब इसमें दूसरा कह रहा पच्चीस और छब्बीस के बीच, पच्चीस और कितने के बीच, 26 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो आप क्या जानते हैं यही चीज लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि n स्क्वायर और n प्लस वन का स्क्वायर के बीच संख्या क्या होता है 2n होता है, यहाँ दो अधूरे यन, पच्चीस और छब्बीस तो शुरुआत कहां से हो रहा है पच्चीस से, तो पच्चीस का गुणा करेंगे तो पच्चीस गुना कितना हो गया पचास, यानी पच्चीस और छब्बीस के वर्गों के बीच में कितनी संख्या होंगी पचास संख्याएं होंगी। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा निन्यानवे और सौ के बीच में, तीसरा कह रहा है निन्यानवे और सौ के बीच, निन्यानवे और सौ के बीच में
तो सूत्र आप यही जान रहे हैं कि इतने के बीच में कितनी संख्याएं होती है, 2n होती है, तो क्या हो जाएगा, यह दिया है 2 × 99 से शुरू हो रहा है तो 99 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 18 = 8 हासिल 1 × 18 = 1 198 संख्या होगी। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.1 खत्म होता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।